इसमें हम लोग करेंगे चैप्टर वन का एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट 1/√11 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग पहले करेंगे लेट 1/√11 बी अ तो पहले हम लोग 1/√11 को रेशनल नंबर मान लेंगे, जिसमें अगर हमने इसको रेशनल नंबर माना है तो 1/√11 इज इक्वल्स टू p बाय q के फॉर्म में होगा, जहां पे p और q आर इंटीजर्स, p और q होंगे हमारे को प्राइम नंबर हमारे वो होते हैं जिनका HCF 1 आता है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे, तो ये 1/11 आ जाएगा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। 11 को इधर ले जाएंगे, क्यू को इधर ले जाएंगे, तो ये जाएगा 11p² इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पे जो 11 है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 11 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो जो 11 है वो q को भी डिवाइड करेगा। q को हम लोग 11m ले लेंगे, m इज इंटीजर, तो जो q की वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में डालेंगे, ये आएगा 11p² इज इक्वल्स टू 11m का होल स्क्वायर। 11p² इज इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर होता है 121m². ये 11 और ये 121 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा p² इज इक्वल्स टू 11m². तो यहाँ पे से हम लोग ये कहेंगे जो 11 है डिवाइड्स p², तो जो 11 है वो p को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम लोग ये कह देंगे थस 11 डिवाइड्स p एंड q साइमल्टेनियसली। देयरफोर p एंड q आर नॉट को प्राइम, क्योंकि जो 11 है वो q को भी डिवाइड कर रहा है और जो 11 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, तो p और q को 1 से ज्यादा कॉमन फैक्टर हो गए, तो ये जो p और q होंगे वो को प्राइम नहीं होंगे। हेंस अवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, देयरफोर 1/√11 इज एन इरेशनल नंबर।